अरे गोपाल, अभी तक खेती तैयार कर रहे हो? क्या करे चाचा, अकेले ही करना पड़ता है। हाँ, इस बार बारिश भी बहुत हो रही है, देखो धान का फसल लगाना। हाँ, सोच तो वही रहे हैं। देखो भगवान की कृपा क्या होती है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। राशन खत्म है, 3 दिन से खिचड़ी बनाना नहीं। अरे भगवान, इसी तरह गुजारा कर लो 2-4 दिन और। रामलाल जी पैसे देते हैं तब मंगा दूंगा सब। चलो मैं चलता हूँ, अभी खेत में बांध बनाना है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। हेलो। हाँ हेलो पापा। हाँ बेटा। ट्यूशन वाले पैसे मांग रहे हैं, आप 1 महीने रुकने बोले थे, आप दे दीजिए ना। बेटा रामलाल जी पैसे देते हैं तो मैं भिजवा दूंगा। क्या पापा, हमेशा बाद में बोलते रहते हैं, मुझे निकाल देंगे अगर आपने जल्दी पैसे नहीं भिजवाए तो। अरे बेटा, नमस्ते सेठ जी। सेठ जी नमस्ते। क्या है सेठ जी? मैं गोपाल। कौन सा गोपाल? सेठ जी वही जिसने आपको गेहूँ बेचे थे ना। अगर 5,000 रुपए बाकी मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती, बेटे को भिजवाना है पैसा। क्या गोपाल, 2 दिन पहले तो बात हुआ है कि धंधा अभी बंदा चल रहा है, पर सेठ जी अगर मिल जाते तो बहुत। क्या मैं लेके भाग रहा जा रहा हूँ? बूढ़ी झंडा का बांध टूट गया है, अपना खेत में भी पानी बढ़ने वाला है। अपना खेत? हाँ, जल्दी जाओ देखो। गुड मॉर्निंग सर, आई एम गोपाल। टेक अप सीट मिस्टर गोपाल। टेल मी अबाउट योरसेल्फ मिस्टर गोपाल। सर आई एम फ्रॉम समस्तीपुर बिहार।
I have graduated from University of Farukhabad. Sir, here are my some documents. अरे बात, आप तो यूनिवर्सिटी टॉप रह चुके हैं। ये जॉब आपको मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने रिटेन एग्जाम में भी अच्छे से शुक्ला, आज हमारा एक खास आदमी तुमसे मिलने आएगा, ठीक है ना? जी सर। मिल रहे हो ना? हाँ जी सर। वो मेरा नाम बताएगा तो उसका पक्का हो जाना चाहिए, समझे? लेकिन जो लड़का हमारे सामने बैठा हुआ है वो मेरे सामने ज्यादा लल्लो चपो मत बतियाओ शुक्ला, पिछवाड़े के नीचे से कब कुर्सी खिसक जाएगी पता भी नहीं चलेगा। चुपचाप जितना कहे उतना करो। I'm sorry मिस्टर गोपाल, ये जॉब आपको नहीं मिल सकती है। पर सर ऐसे कैसे, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको। मिस्टर गोपाल आप जा सकते हैं। सर ऐसे कैसे, मैं तो सर क्या बताऊं आपको, आपकी डिग्री आपकी टैलेंट यहाँ पे कोई कदर नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंत्री जी का चाटुकार चाहिए बस। I'm sorry, Mr. Gopal. मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप पे दया आती है कि आप जैसे लोगों टैलेंटेड लोगों की यहाँ पे कदर ही नहीं होती। I'm sorry, Mr. Gopal. कोई बात नहीं सर, आप अपना काम कीजिए, बाकी भगवान की मर्जी। थैंक यू मिस्टर गोपाल। थैंक यू सर। मिस्टर गोपाल एक पर्सनली एडवाइस दूं? Yes, sir. मैं भी पहले आप ही के जैसा था। अगली बार कहीं जाइएगा तो मंत्री जी का सिफारिश लेके जाइएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी आगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन सर, लेकिन मुझे इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना सर, जहाँ पे आदमी का चरित्र गिर जाए। बचपन से सर अपनी देश की मिट्टी की सेवा करना चाहता था, इसके लिए मुझे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं सर। थैंक यू सो मच सर। होने की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा ये ही होगा कि यही मर जाएंगे हम मौत को। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं और होने को। बस इतनी ही सेवा कर सकता।